वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप एक ऐसी परेशानी से बचना चाहते हैं जिसके बारे में ना आपने सोचा हो, ना आपके वहमो गुमान में हो कि आपके पास वीजा भी है, आपके पास एयरलाइन की टिकट भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है और आपका लगेज जो है वो भी इन ऑर्डर है और आप पहुंच जाते हैं बोर्डिंग के लिए, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो वहां से अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ये बोलता है कि आपको यहां से परमिशन नहीं है आगे जाने की, आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जा सकती, तो आप सोचें कि आपको फाइनेंशियल लॉस तो हो गई होगा क्योंकि आपकी टिकट कैंसिल होगी। उसके बाद जो है वो जो मेंटली ट्रॉमा होगा क्योंकि आप जो है वो फुली प्रिपेयर्ड होकर एयरपोर्ट पर जाते हैं कि आपने यहां से आगे चले जाना है और आगे भी आपने टाइम डेट जो भी ज्वाइनिंग की होती है वहां पर वो भी आपने दी होती है, वो भी आपकी खराब होगी और उसके बाद खुद भी आप जो है वो इतने ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे कि आपको वहां से वापस जाना पड़ेगा और फिर जो है वो आपको दोबारा से नए सिरे से सारा प्रोसेस करके जो है वो आपको फिर से जो है वो एयरपोर्ट पर आना होगा। तो एक्चुअली आपके जो पासपोर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टर स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपने अपना वर्क वीजा अप्लाई किया है आउटसाइड द कंट्री, पाकिस्तान में बैठे हुए वो किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, यूके हो, यूएसए हो, कनाडा, किसी भी कंट्री में आपने वर्क वीजा अप्लाई किया है, तो वर्क वीजे के लिए ये रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टर वीजा स्टैंप जो होती है वो लाजमी लगवा के जो है वो यहां से जाना। तो आपने ये चीज मत भूलिएगा कि अगर देखें अगर आपके पास वर्क वीजा है और आप अपने फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो फैमिली की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास स्पाउस जा रहा है, आपके साथ डिपेंडेंट जा रहा है और आपके साथ बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन पर्सन है जिसके पास वर्क वीजा है सिर्फ उसी के पासपोर्ट के ऊपर जो है वो प्रोटेक्टर स्टैंप लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है इस स्टैंप का, जस्ट एक दिन का प्रोसेस है। अगर दो तरीकों से ये स्टैंप लगती है बेसिकली। एक तो ये है कि आप ऑफिस में जाएं, वहां पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस बने हैं पाकिस्तान में, तमाम बिग सिटीज में ऑफिस बने हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर जो है ये स्टैंप लगवा सकते हैं। एक ही दिन का प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं और वहीं पे आपकी फीस वगैरह भी पे हो जाएगी और वहीं पे आपका सारा यह प्रोसेस हो जाएगा और आपको स्टैंप लगवा के दे देंगे। और दूसरा तरीका कार ये है कि ई स्टंप होती है जो आप घर में बैठे हुए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही सारा फॉर्म फिलअप करते हुए आपने फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है और उसके बाद आपको ई स्टंप जो है वो इशू कर दी जाएगी और उसी स्टंप को आपने साथ कैरी करके जो है वो ट्रेवलिंग के लिए आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान से जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको ई स्टंप जो है वो कैसे आपने अप्लाई करना है वो भी मैं इसमें पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। जस्ट आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है और कैसे इसका जो फॉर्म है वो फिलअप करना है वो सारा मैं करके दिखाऊंगा। और अगर आप फिजिकली ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वहां पर एक ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है वहां पर आप चले जाइएगा और वहां पर जो है वो आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपने इसको माइंड में रखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, वरना आपको बहुत बड़ी एक परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो कि मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है, कि आपको जब सारा एक प्रोसेस जो है नए सिरे से करना पड़े, एयरपोर्ट पे जाकर आपको वापस भेज दिया जाए और आपसे आपको सिर्फ ये कहकर जो है वो आपका सारा प्लान जो है वो चौपड़ कर दिया जाए कि आप जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टर स्टैंप नहीं लगेगी। कोशिश कीजिएगा इसको जो है वो मत भूलिएगा और लाजमी जो है ये लगवा कर अपने जो है अपने आप को जो है सेफ रख कर अपने ट्रैवल के लिए प्लान कीजिएगा। तो गाइज आपने गूगल ओपन करना है और गूगल में आपने लिखना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान। तो ये फर्स्ट लिंक जो ओपन होकर आपके सामने आ रहा है gov.pk, ये ऑथेंटिक लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये ऑथेंटिक पेज है, इसी को ही आपने फॉलो करना है। आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो ऑप्शन है क्विक लिंक्स वाला है, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आप देखें अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई प्रोटेक्टर, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए इस पेज के ऊपर जो है वो आपको लेके आ जाएगा ये लिंक, और ये एक फॉर्म है जिसके अंदर आपने ये सारी डिटेल्स वन बाय वन बहुत ही ख्याल से आपने एंटर करनी है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह के ऊपर कौन सी डिटेल आपने एंटर करनी है।
जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस फॉर्म का। तो यहाँ पर एक इमिग्रेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये वहाँ पर ये एंटर करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डालेंगे, और एंड के ऊपर जो है यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो भी सारा मैं जो है अभी आपको डिटेल के साथ गाइड करता हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर देखें, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो जॉब टाइटल, अच्छा आपकी जो भी जॉब है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, आईटी का कोई काम वगैरह है, तो आपने अपनी जॉब का टाइटल जो है यहाँ पर लिख लेना है। मैं लेट सपोज लेता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो डॉक्टर जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं, यहाँ पर जॉब ट्रेड, तो यहाँ पर जो एरो का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके जो प्रोफेशन है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपका जो भी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, वह आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स है, टीचर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, ये सारे जो है ये वन बाय वन आपने यहाँ से देख लेने हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें इस ऑप्शन पे वो पूछता है कि सैलरी, मंथली सैलरी। अच्छा जो आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी, मैं यूके परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि यूके से अगर किसी डॉक्टर को स्पॉन्सरशिप मिली है पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो यहाँ पर जो है उस कॉन्टेक्स्ट में डिटेल जो है वो कैसे एंटर करेगा। अगर आपको किसी गल्फ कंट्री से कोई वीज़ा मिला है किसी कंपनी का, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। प्रोसीजर सेम है, जस्ट मैं एक क्योंकि मैं यहाँ पर यूके में बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस परस्पेक्टिव से ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। बाकी आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि कोई गल्फ कंट्री के लिए जो है वो कोई डिफरेंट किस्म की यहाँ पर डिटेल्स होंगी, सेम चीज़ें हैं, तो सेम ही मेथड है। अच्छा यहाँ पर सैलरी जो है आपकी जो स्पॉन्सरशिप होगी, जो भी आपको यहाँ पर NHS ट्रस्ट जिसमें भी आपने अपना जॉब अप्लाई की है, तो आपकी स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो है वो सैलरी मेंशन होगी, तो वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। मैं यहाँ पर एक फर्जी सी जो है वो नंबर डाल देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7,000, ठीक है, ये मंथली आपकी सैलरी है। तो एक्चुअली जो स्पॉन्सरशिप होती है मोस्टली उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर ईयरली आपकी सैलरी मेंशन होगी, तो बट आपको मंथली जो है वो आप कन्वर्ट करके कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं। करेंसी आपने यहाँ से GBP जो है वो ब्रिटिश पाउंड वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, यूके पाउंड, ठीक है। अच्छा नीचे जो अब ये ऑप्शन है एम्प्लॉयर नेम, अब एम्प्लॉयर नेम भी आपके जो स्पॉन्सरशिप है वो उसके ऊपर लिखा होगा। एम्प्लॉयर नेम डेफिनेटली आपका जो NHS का ट्रस्ट है, जो भी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप इशू की है, वो आपका एम्प्लॉयर नेम है। तो उस कंपनी का लेट सपोज नेम है, या हॉस्पिटल का नेम है, जो भी जिसने भी आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, वो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा मैंने एक जस्ट फर्जी सा नाम एंटर कर दिया है, तो आपका जो भी एग्जैक्ट हॉस्पिटल है, जो भी NHS ट्रस्ट है, वो आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिखना है। तो ये मैंने जस्ट फर्जी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। जो यहाँ पर देखिएगा एम्प्लॉयर एड्रेस, तो एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है जो भी हॉस्पिटल का, वो भी आपके उसके ऊपर मेंशन होगा जो स्पॉन्सरशिप है, ठीक है। तो यह वहाँ से भी आप जो है वो इजीली देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम ही मेंशन कर देता हूँ, और आपका जो भी एग्जैक्ट एड्रेस होगा, आप किसी गल्फ कंट्री से हैं तो आप अपने कंपनी का जो है वो एड्रेस देखिएगा, वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख लेना है। एम्प्लॉयर सिटी, अच्छा एम्प्लॉयर जो है वो आपका इस कंट्री के अंदर, अगर मैं यूके की बात करूँ, तो किस सिटी के अंदर जो है वो आपका हॉस्पिटल आता है, तो ये आपको लाजमी यहाँ पर लिखना होगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लंदन, ठीक है, लंदन सिटी के अंदर। तो आप अगर किसी गल्फ कंट्री के अंदर हैं, दुबई में हैं, कहीं किसी भी जो है ना वो उसके अंदर है, तो आपने वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है।
अच्छा यहाँ पर देखिएगा एम्प्लॉयर कंट्री, तो यहाँ पर आपने जो है वो कंट्री का नाम लिखना है जिस भी कंट्री से आपको स्पॉन्सरशिप मिली है। तो यहाँ पर मैं लेट्स सपोज डाल लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। तो एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी मोस्टली उसके ऊपर मेंशन होता है आपके स्पॉन्सरशिप के ऊपर। अगर नहीं भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसका, आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे आप अपना सेम जो कंपनी है वो NHS ट्रस्ट है, जो भी आपका जो है एम्प्लॉयर है, वो आपने गूगल से फाइंड आउट करके आपने यहाँ पर नंबर लिख लेना है। क्योंकि इसके साथ जो है ये रेड सा स्टार लगा हुआ है, और जिन जिन ऑप्शन के साथ ये स्टार लगे हुए हैं उसको आपने लाजमी फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई फर्जी सा नंबर जो है ना वो डाल देना। मैं जस्ट जो है ना ऐसे नंबर डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एम्प्लॉयर ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस भी आपके पास होगा, स्पॉन्सरशिप के ऊपर मेंशन होता है। तो वो आपने डेफिनेटली आपने जब कम्युनिकेशन की होगी उनके साथ, जॉब वगैरह की जब अप्लाई किया होगा, तो आपके पास वो उनका ईमेल एड्रेस ज़रूर होगा, तो आपने वो यहाँ पर डाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये भी आपके जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा वो यहाँ, वो भी स्पॉन्सरशिप जो आपको मिलेगा, कोर्स मिलेगा, वो उसके ऊपर जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी लिखा होगा। लेट सपोज आपका मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इयर्स, यहाँ पर 2 डाल देना है। अगर कोई ऊपर है, कोई 2 साल 3 मंथ या 2 साल 4 मंथ या इस तरह का कोई है, तो यहाँ पर मंथ डाल देने हैं। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर 0 एंटर कर लेना है। यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस। अच्छा, वो कहता है कि जो है वो अपना जो मुतलका प्रोटेक्टोरेट ऑफिस है जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपने यहाँ पर उसको फाइंड आउट कर लेना है। मैं लेट सपोज यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं सारे, तो यहाँ पर मैं लाहौर का देखता हूँ। तो यहाँ पर आपने लाहौर, यहाँ पर फाइंड योर ऑफिस, ये लाहौर में वो मुझे बेसिकली ये बता रहा है कि ये एड्रेस है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर जो है वो लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा अपना। ठीक है, ओके। यहाँ पर बेनिफिट्स की जो ऑप्शन है, इसमें वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको कंपनी ने या आपको NHS ट्रस्ट ने किसी कोई वीज़े का आपको एक्सपेंस दिया हो, या कोई आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस दिया हो, या जैसे कोई टिकट वगैरह आपको दी हो, तो इस तरह का कोई अगर बेनिफिट आपको वहाँ से मिला है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है भैया, फ्री मेडिकल, फ्री टिकट एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाए इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब जो कैंडिडेट खुद जिसके पास स्पॉन्सरशिप है, जिसने ट्रैवल करके जाना है दूसरे कंट्री में जॉब के लिए, तो उसने अपनी यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पर अब आपका नाम आ जाएगा, पूरा नाम आपने लिख लेना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, और फादर का नेम, या अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम। अच्छा, CNIC नंबर, आपका ID कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है विदाउट डैशेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डाल देनी है अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर जो आपका होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, और पासपोर्ट इश्यूड एट प्लेस। अच्छा, कौन सी जगह, वो आपके हॉस्पिटल जो आपका, सॉरी, वो जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर ये ऑप्शन दिया होता है, तो आपने वहाँ से देख के जो भी एग्जैक्ट जो वो प्लेस लिखी हुई है वही यहाँ पर आपने एंटर कर लेनी है। अच्छा, पासपोर्ट इशू डेट, इशू डेट भी आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होगी जो पिक्चर वाली साइड होती है। अच्छा, एक्सपायरी डेट आपने देख लेनी है, ये इशू डेट है, ये एक्सपायरी डेट है, तो ये ध्यान से दोनों जो है वो आपने फिलअप कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कैंडिडेट अपना नंबर यहाँ पर मेंशन करेगा, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ फिल ई मेल फील्ड केयरफुली, दिस विल बी यूज फॉर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये आप ई मेल एड्रेस केयरफुली एंटर करेंगे तो इसी ई मेल के थ्रू जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस को लेके। तो बहुत ही केयरफुली आपने अपना ई मेल एड्रेस सही से डालना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी इसमें।
यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना पोस्टल एड्रेस जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है पोस्टल एड्रेस वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद प्रोविंस प्रोविंस जो भी है पंजाब से हैं केपीके से हैं सिंध बलूचिस्तान गिलगित आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये सारे यहाँ पर मेंशन है वो आपने चूज़ कर लेना है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर जो भी आप यहाँ प्रोविंस पहले चूज़ करेंगे जैसे पंजाब है तो अब ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएंगे। तो जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं फिर आपने वो यहाँ पे शो कर लेना है। अच्छा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट होगा सेम डेफिनेटली तो यहाँ से फिर अगेन जो है वो आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज़ कर लेना है। अच्छा एजुकेशन तालीम जो भी है आपकी मास्टर है ये सारी जो है वो कैटेगरीज आपके सामने शो हो रही हैं अंडर मैट्रिकुलेशन मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट बैचलर 2 ईयर बैचलर ऑनर 4 ईयर्स ये सारा मास्टर जो भी आपकी एजुकेशन है सारी यहाँ पर शो हो रही है। आपने इनमें से जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली है वो आपने चूज़ कर लेना है। नीचे आ जाएं अब यहाँ पर देखें ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है जिसकी बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉमिनी डिटेल्स। अच्छा यहाँ पर आपने इसको नो ही रखना है। ओके अब नीचे आ जाएं अब यहाँ पर नॉमिनी फुल डिटेल एक्चुअली ये नॉमिनी जो है ये आपका वारस होता है क्योंकि ये एक तरह की ना ये इंश्योरेंस है आपके। मैं आपको बताऊँ ये एक बीमा टाइप जो है ना आपकी इंश्योरेंस है और अल्लाह ना करे कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है कहीं फॉरेन कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक वारस की डिटेल दे के जाएंगे नॉमिनी की। वो आपका फादर हो सकता है आपका ब्रदर हो सकता है या कोई भी जो भी आप वारस हुआ है आपका पीछे तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है उसका नाम लिखना है। अगर कुछ आपको अल्लाह ना करे कोई हो जाता है बाहर फॉरेन कंट्री में तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कंपनसेशन में जो है वो कुछ अमाउंट है वो आपके वारस को अदा करेगी। अच्छा यहाँ पर नॉमिनी फुल नेम लिखेगा अपना मतलब जो भी वारस है उसका नाम लिखें उसके बाद उसकी एज फादर है तो फादर का नाम फादर की एज और रिलेशन क्या मतलब यहाँ पर उनके साथ क्या रिलेशन है। फादर है तो डेफिनेटली यहाँ पर फादर आप लिखेंगे। अच्छा उनका आईडी कार्ड नंबर विदाउट डैशेज आपने यहाँ पर इस जगह के ऊपर लिख लेना है। यहाँ पर आ जाए नॉमिनी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर फादर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ प्रीवियस प्रोटेक्टर क्लियरेंस ये अगर आप ये उस सूरत में है कोई आपका प्रीवियस जो है प्रोटेक्टर क्लियरेंस थी तो उस सूरत में यहाँ पर फिर आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और ये सारी डिटेल फिर आपने फिलअप करनी होगी तो इसको फिलहाल रहने दें नो इशू। तो आगे चलते हैं यहाँ पर देखें टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय इमिग्रेंट। अच्छा जितना भी आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त जितने भी आपके अखराजात आए हैं ऑल टूगेदर वो जितनी भी अमाउंट बनती है 20 लाख 30 लाख 40 लाख वट एवर द अमाउंट तो आपने यहाँ पर वो लिख लेनी है। नीचे आ जाए इमिग्रेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स। अच्छा जो यहाँ पर इसकी डिटेल है आपका जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है वो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। अकाउंट टाइटल ठीक है जो मतलब आपका नाम है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और इस ऑप्शन में जो है अकाउंट नंबर आपने एंटर करना होगा और यहाँ से आपने बैंक जो है वो जिस भी जो भी बैंक नाम है वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। ये सारी कैटेगरीज के बैंक जो हैं पाकिस्तानी ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। नीचे आ जाएं अच्छा आप यहाँ पे ऑप्शन है कि आर यू डिसेबल हैं तो टिक करें अगर नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दें। अच्छा अब आ जाता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मरला। अब देखें यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है द अटैचमेंट फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB। अब इसमें जो 1 MB है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये कह रहा है कि पर डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB ना हो मतलब कि पर डॉक्यूमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही। यहाँ पर कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स का साइज जो है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। कलेक्टिव मतलब यहाँ से ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हैं
ये सारों का जो कलेक्टिव साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बी केयरफुल, अगर इसको आपको इशू हो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज एक्सीड कर रहा है, तो गूगल पर जाएं, वहाँ पर रीसाइज करने वाली काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर चले जाएं, तो वहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज करके 70 KB या 75 KB में पर प्रोफाइल जो है वो आपने चूज़ करनी है, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को बना के। तो 70 KB या 80 KB की प्रोफाइल अगर आप बनाएंगे तो ये सारे आप अपलोड करते हुए जब नीचे पहुँचेंगे तो आपका 1 MB से भी कम का जो है वो डाटा एंटर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आपको नहीं बता सका, ये है इमिग्रेंट पिक्चर। यहाँ पर ये जो प्लेस है, यहाँ पर आपकी पिक्चर आएगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो ये भी आपने जो है यहाँ से चूज़ करते हुए यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके डायमेंशन जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इस डायमेंशन के साथ जो है वो आपकी पिक्चर होनी चाहिए, वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगी ऑनलाइन। अच्छा, उसके बाद ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, जो आपको वीज़ा इशू होगा, ठीक है। अब यूके की बात करें तो यूके में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको ना एक स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर इशू होता है, जिसकी वैलिडिटी अराउंड की 3 मंथ होती है। फिर आप जब यूके में आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर आपको जो है वह एक स्मार्ट कार्ड टाइप जो है वो BRP कार्ड मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से, वो बेसिकली जो है वो एक्चुअल आपका उसके ऊपर वीज़ा ड्यूरेशन लिखा होता है और आपका जो है वो जो वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो वर्क परमिटेड होता है वो सारी डिटेल जो है वो आपके उसके ऊपर मेंशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो, उसको बहुत संभाल के रखना होता है। अच्छा, ये देखें, ये वो यहाँ पर आपने एंटर करना होगा अपना। अच्छा, दूसरा जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि पासपोर्ट पेज 1, जो मतलब पिक्चर वाला पेज है वो 1 हो जाएगा और उससे सामने वाला जो पेज है वो पेज 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर पेज 1 यहाँ पर हो जाएगा, पेज 2 इस जगह के ऊपर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद CNIC है, ये फ्रंट साइड जो है CNIC के वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ये CNIC की बैक साइड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको मिला होगा, स्पॉन्सरशिप, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये है अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग को यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये जब डाउनलोड कर लेंगे तो एक पेज ओपन होगा, ये देखें, ठीक है जी, ये एक पेज इस तरह का, ये अंडरटेकिंग है, इसके अंदर ये डाउनलोड होके जो है ये आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे कैसे ये इसको फिलअप करके, बेटर है कि आप इसको इसकी कॉपी करवा लें, इसको प्रिंट आउट करवा के, तो इसको हाथ के साथ ये आराम से फिलअप करके दोबारा से अच्छे से स्कैन करा के जो है इसके अंदर दोबारा अपलोड कर दें। तो मैं अभी जो है वो आपके सामने इसको फिलअप करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये अब अंडरटेकिंग जो है हमारा ओपन हो गया, तो इसमें जो है वो वन बाय वन मैं इसमें आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है इस जगह के ऊपर जो है वो कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे जो है सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है, फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर जो है वो सिटी का नाम आ जाएगा, जिस भी सिटी के आप रेजिडेंट हैं, यहाँ पर बेसिकली जो एड्रेस है वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर इस जगह के ऊपर पासपोर्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डेटेड है, डेटेड में वो डेट आप डालेंगे जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आज की डेट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 पे आइएगा, यहाँ पर वो कहता है कि आई हैव अरेंज्ड माई वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट इन, अब यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर NHS ट्रस्ट है उसका नाम आएगा, या आपका कोई कंपनी नाम है तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने उस कंपनी का नाम छोटा सा करके यहाँ पर एंटर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपकी पोजीशन जो भी आप एज अ डॉक्टर हैं तो यहाँ पर डॉक्टर लिख लेंगे, इंजीनियर हैं जो भी है वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पर जो दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं कि आपने ये वीज़ा ये अप्लाई जो है वो कैसे किया, थ्रू माई ओन एफर्ट्स
या थ्रू माय रिलेटिव या फ्रेंड। तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं थ्रू माय ओन एफर्ट, तो इसको आपने फिर जो है वो कट कर देना है इस ऑप्शन को ऐसे, ठीक है। तो नीचे आ जाए, अगर आपने कोई, अगर इस ऑप्शन के थ्रू आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा लिया है, तो उस फ्रेंड का जो है वो आगे जो डिटेल फिर आपने डालनी होगी, ठीक है, जो रिलेटिव है या फ्रेंड है उसकी डिटेल। नीचे आ जाए नंबर टू के ऊपर, ये द एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ पर दोबारा जो है वो एम्प्लॉयर जो है आपका, आपकी एनएचएस ट्रस्ट है उसका नाम लिख लेंगे, या आपकी कोई कंपनी है तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। नंबर थ्री पे आ जाए, आई माई सेल्फ हैव गॉट द वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन माई पासपोर्ट फ्रॉम द एम्बेसी और कौंसुलेट। तो यहाँ पर देखें, बेटर है कि आप देखें, आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर यूके का वीज़ा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है वो यूके लिख रहे हैं। और अगर आपका जो है वो अबू धाबी से है या दुबई से है या किसी और जगह से या किसी भी कंट्री से है, तो आपने उसका यहाँ पर नाम लिख लेना है। अच्छा, नंबर फोर पे आए, माय ओरिजिनल वीज़ा अवेलेबल एट द एयरपोर्ट ऑफ एंट्री। अच्छा, यहाँ पर आपने जो एयरपोर्ट की एंट्री है, ये बेसिकली वो पूछ रहा है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपने किस एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एंट्री करनी है। अब अगर आप, मैं यूके की बात करूं, तो यूके में अगर आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जब आप टिकट करवाएंगे, तो बेटर है कि टिकट करवाने के बाद आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आपको थोड़ी सी ये आसानी हो जाएगी कि आपको आइडिया होगा कि मैं यहाँ पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, कि मैं लुटन एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, तो मैं किस एयरपोर्ट के ऊपर मेरी एंट्री है। तो वो यहाँ पर आपने उस एयरपोर्ट का नाम लिख लेना है, यूके का एयरपोर्ट का, ठीक है। अच्छा, नंबर फाइव पे आ जाए, एज पर माय वर्बल एग्रीमेंट आई वुड बी पेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वो जो सैलरी है वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा, सैलरी हमने जो है ना यहाँ पर फिर वही 7,000, ठीक है, 7,000 जो मैंने पहले आपको बताई है वहाँ पर, ये हमने फर्जी एक नंबर डाला है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये पाउंड में है, तो यहाँ पर बेशक अगर पाउंड का ऑप्शन है, डॉलर का है या दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पर पाउंड का नहीं है, तो आप बेशक यहाँ पर जो है ना इसके साथ ऐसे पाउंड का निशान डाल के, तो ये देखें ये ऐसे डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर बेशक इसको इनमें से नहीं ऑप्शन, तो यहाँ पर इसको कट कर देना है। नीचे आ जाए, अच्छा, सिक्स नंबर के ऊपर, आई शैल नॉट हैव माई जॉब आर स्लिप अवे फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर कंपनी नेम लिखना है, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी नेम है, जो आपकी ट्रस्ट है एनएचएस या जो भी है, वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर आएगा। नंबर सेवन के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाए। अब यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इमिग्रेंट, तो यहाँ पर आपके जो है वो सिग्नेचर होंगे और ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और आपने स्कैन करके दोबारा जो है उसमें अपलोड कर लेना है। तो हम चलते हैं अपने वापस उस पेज के ऊपर जी। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपने जब इसमें अपलोड कर दी, तो आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट हो जाएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगी, ईमेल में आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। ये उसके बाद जो है तकरीबन 102 विद इन 2 to 3 आवर जो है ना, आपको एक और ईमेल आएगी कि आपका जो है वो जो स्क्रूटनी थी वो सक्सेसफुली जो है वो हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद जो है अब आपको एक और लिंक नीचे दिया होगा, उसमें आपने वाउचर जो है वो सबमिट करना होगा। अच्छा, बैंक जो है वो, इसमें मैं आपको बताऊं कि आप नेशनल बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो उसके ज़रिए भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो वो जब आप पेमेंट कर लेंगे, और उसके बाद आपको ईमेल आएगी कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, तो नीचे लिंक दिया होगा कि इस लिंक के ऊपर जो है आप जाएँ और अपना जो है वो ई जो है प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप वहाँ पर डाउनलोड कर लें, तो वो आपके सामने होगा। और उसके बाद जो है आप जो है उसको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके, आप अपने साथ जो है वो जब एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो वो आपने अपने साथ कैरी करके जाना होगा। तो ये टोटल प्रोसेस है इसका, बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। और दूसरा जो प्रोसेस था वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, वैसे तो मुश्किल नहीं है,
ये तो इसमें टाइम भी सेव होता है और आप घर में बैठे ही काम कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस वही है कि आप फिर ऑफिस में जाएं, वहाँ पर प्रोटेक्टर्स ऑफिस जो है वो बने हुए हैं बिग सिटीज़ के अंदर, फिर वहाँ पे जाके आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, वो भी तकरीबन अराउंड एक आधा दिन वहाँ पे लग जाएगा आपको। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।